हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल टू रास्ता। आज है रसोई के संबंध जानकारी के साथ। आज बहुत सारा चीज़ को जो है हम खुलासा करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर कट में, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जनरल वाले के लिए जो है इतना दाम हुआ और उज्ज्वला वाले देंगे 400 रुपये कम। ये क्या मैटर है? कस्टमर जो है इसमें घबराए हुए हैं कि 400 रुपये हम वहाँ कम देना होगा रिफिल के टाइम, या हमारा 400 रुपये सब्सिडी आएगा। तो मैं ग्राउंड से बोल रहा हूँ, चूँकि मैं वर्तमान में अभी इंडियन गैस एजेंसी में बना हूँ, वर्क कर रहा हूँ। तो बहुत तरह के कस्टमर आते हैं, कुछ तो आते हैं तो कहते हैं कि सर आप लोग लूट रहे हैं, जब पेपर में 400 रुपये कम दिए हैं तो फिर हमें जनरल वाले का जो रिफिल चार्ज रख रहा है यानी कि फल 1000 रुपये अभी, तो हमसे भी 1000 क्यों लिया जा रहा है? कुछ लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे 800 रुपये लिखा जा रहा है, लिखा है पेपर में कि 800 रुपये दे होंगे, तो फिर आप यहाँ पे 1000 क्यों ले रहे हैं? तो क्या सब्सिडी आएगा हमारा 400 अकाउंट में? ये भी कुछ कस्टमर के जो है दिमाग में है, वो बिल्कुल कन्फ्यूज है। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बड़े समय में कम समय में हम सारा कन्फ्यूजन आज आपको दूर करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्शन को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है जनरल कनेक्शन, जो कि आपने पैसा दे करके गैस एजेंसी से लिए होते हैं, और दूसरा होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शन आपने फ्री में लिए होते हैं। पिछले महीने की अगर हम बात करें अगस्त में, तो 1200 रुपये जो कि रिफिल प्राइस है जनरल वाले के लिए, और 1200 रुपये रिफिल प्राइस है उज्ज्वला वालों के लिए। अब उस समय सब्सिडी उनको जो भी जा रहा हो, जैसे 278 जा रहा था, लेकिन जो अभी इस महीने यानी 31 तारीख से जो रेट डाउन किया 200 रुपये, तो दोनों के लिए डाउन किया। जनरल वाले अब लेने जा रहे हैं तो उनको 1000 मिल रहा है, उज्ज्वला वाले लेने जा रहे हैं तो उनको भी 1000 में गैस दिया जा रहा है। फिर ऐसा क्यों कि उनको जो है 400 रुपये कम पड़ा? ये चीज़ हम अभी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें बता दें कि 78 रुपया इसमें भी सब्सिडी है, 78 रुपया आपको इसमें भी है जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत है। लेकिन पिछले महीने की अपेक्षा अगर इस महीने हम लेने जाते हैं तो जनरल कनेक्शन वाले को 1200 रुपये नहीं 1000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 200 रुपये इनको बचत हुई, ये तो क्लियर हुआ। और उज्ज्वला वाले को भी 1000 लग रहे हैं, यानी कि 200 रुपये इनको बचत हुए। 200 रुपया क्लियर है कि इनको बचत हुए, जनरल वाले या उज्ज्वला वाले जो भी हों। अब 1000 जब वो दे रहे हैं और 200 रुपये बचत है, तो 400 क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि 200 रुपये और उनके अकाउंट में जो है डाले जा रहे हैं, यानी 78 रुपये के अलावा 200 रुपये और डाले जा रहे हैं। तो ये आप हमारे बातों को मत मानिए। मैं यहाँ एक कस्टमर का लाइव जो है पासबुक प्रिंट यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हैं 200 रुपये सब्सिडी है। तो अगर 1000 में 200 रुपये सब्सिडी चल गए तो उनको गैस कितने के पड़े? 800 के, ठीक है। और 200 जो सब्सिडी गए वो, और 200 जो पहले कम हुआ पिछले महीने की अपेक्षा, दो 400 रुपये, यही मैटर है कि 400 रुपये इनको कम पड़ेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये चीज क्लियर आप आशा है कि समझ गए होंगे। अब रही बात कि बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर हो सकता है कि 1000 का गैस लेंगे तो 400 सब्सिडी जाएगा। समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका लोन क्लियर हो गया है तो 278 रुपये जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 78 रुपया कॉमन समझ लीजिए, यानी कि जनरल कनेक्शन हो या उज्ज्वला कनेक्शन हो, 78 रुपया तो उसको सब्सिडी पहले भी जाता था, अभी भी जा रहा है, जो आपका है 278 रुपया वही जाएगा। तो आज का जानकारी यही था जिसमें मैंने क्लियर किया पेपर कट के माध्यम से जो बहुत सारा गलतफहमी है। आशा है कि अगर आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। इस रिकॉर्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो वहाँ भी जाके आप समझ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।